गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम एकता और आज की वीडियो होने वाली है थोड़ी सी हटके। मैंने आज तक ऐसी वीडियोस की नहीं है, तो आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ अपने प्रोडक्ट एम्प्टीज। मैंने कौन कौन से प्रोडक्ट मैं एक्चुअली में ख़त्म कर चुकी हूँ और उनमें से मैं कौन कौन से खरीदूंगी आगे चल के, दोबारा से कौन कौन से नहीं खरीदूंगी, कौन सा मेरे पे सूट किए कौन सा नहीं किए, ये सब कुछ मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। मेरे पास ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हो चुके हैं जिनको मुझे शेयर करना है आपके साथ कि कौन कौन से प्रोडक्ट अच्छे रहे कौन कौन से बेकार रहे, तो जिससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले, अगर आप यहाँ पहली बार आए हैं तो मेरा नाम है एकता, मैं फैशन ब्यूटी लाइफस्टाइल से रिलेटेड वीडियोस डालती हूँ। तो अगर आपको ऐसी वीडियोस देखना पसंद है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जो कि बिल्कुल फ्री है, और उसके बगल में छोटी सी बेल बटन भी दबा दें ताकि मेरी वीडियोस बिल्कुल भी मिस ना हो, टाइम से मिलती रहे आपको। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक कर दें इस वीडियो को और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं आप। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं जो आपके साथ बात करना चाहती हूँ वो है ये प्रोडक्ट, आपको दिख रहा होगा, ये है बायोटिक का बायो कैल्प प्रोटीन शैम्पू फॉर फॉलिंग हेयर। सो गाइस ये जो प्रोडक्ट है ये शैम्पू बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है और इसके रिव्यूज भी मैंने अच्छे खासे देखे थे, इसलिए मैंने ये खरीदा था। मुझे फॉलिंग हेयर की प्रॉब्लम हो गई थी और मेरी मम्मी को भी थी, तो मैंने सोचा चलो इसको ट्राई करके देख लेते हैं। और गाइस मैं आपको बताऊंगी मेरा एक्सपीरियंस इतना गंदा रहा इसके साथ, इसको यूज़ करने के बाद मेरे बाल और मेरी मम्मी के बाल दोनों के बाल झड़ने लग गए, पता नहीं क्या हुआ, मुझे सूट नहीं किया ये शैम्पू क्या। इसको मैंने बहुत मुश्किल से ख़त्म किया है मैंने और मेरी मम्मी ने मिलके, मतलब मैं सोच रही थी कि यार पैसे बर्बाद हो गए, और मतलब जो सोच के तुम खरीदते हो फिर वो अच्छा नहीं होता तो बुरा तो लगता ही है। सो गाइस ये था मेरा पहला प्रोडक्ट जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, मैंने जैसे तैसे ख़त्म किया है इसको और मैं इसको बिल्कुल भी दोबारा नहीं खरीदने वाली हूँ। शायद मुझे ये सूट नहीं किया क्योंकि बहुत लोगों के मुँह से मैंने अच्छे रिव्यूज सुने थे इससे, बट मुझे तो सच में डिसअपॉइंट किया है इसने। नेक्स्ट है ये निविया का बॉडी डिओडोराइजर, ये काफ़ी अच्छा था, मैंने इसको यूज़ किया, जो इसकी स्मेल है काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है, ऑर्डर को कंट्रोल रखता है ये आपकी बैड ऑर्डर को, और सच में आप ऑल डे लॉन्ग आप फ्रेश फील करोगे इसको लगाने के बाद। ये काफ़ी अच्छा डिओडोराइजर है, बट एक चीज़ है इसकी स्मेल है, ये है फ्रेश रोज एंड केयर इस फ्लेवर में है, तो ये मुझे इतनी खास पसंद नहीं है, बट मैंने इसको फिर भी फिनिश कर दिया है क्योंकि ये काफ़ी हद तक हमारी जो बैड ऑडर होती है उसको कंट्रोल करता है। और जहाँ तक है दोबारा खरीदने की बात, तो इसको मैं दोबारा नहीं खरीदूंगी, इसी में जो और भी वेरिएंट्स हैं मैं उनको खरीद सकती हूँ, बट मैं इसको नहीं खरीदूंगी क्योंकि ये मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया। नेक्स्ट है ये रेक्सोना का एडवांस वाइटनिंग अंडर आर्म ऑर्डर प्रोटेक्शन, ये भी एक डिओड्रेंट है और इसे भी मैं पूरा फिनिश कर चुकी हूँ, मुझे ठीक ठाक लगी इसकी फ्रेग्रेंस, काफ़ी रिफ्रेशिंग ऐसी माइल्ड फ्रेग्रेंस मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ये भी काफ़ी अच्छी लगी, बट मैं काफ़ी ज़्यादा ऐसे ट्राई करना चाहती हूँ ड्यूज अफोर्डेबल साइड में, ताकि मैं आगे चल के आपको बता सकूँ कौन कौन से अच्छे हैं कौन कौन से नहीं। तो ये भी काफ़ी अच्छा है, इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है तो ये ठीक है, बट मैं अभी इसको फ़िलहाल मैं दोबारा ख़रीदने के मूड में नहीं हूँ इसे। नेक्स्ट है ये नेचुरल बाथ एंड बॉडी का क्लैरिफाइंग फेस मास्क, ये सी क्ले मास्क है और ये आया था मेरे ग्लैम ईगो बॉक्स में, इसको मैंने अब जाके फिनिश कर दिया है। मेरे पास बहुत सारे फेस पैक हो गए थे एक्चुअली में, तो मैं बदल बदल के लगाती थी वरना ये जल्दी ख़त्म हो जाता, और ये 3-4 बार ही यूज़ हुआ है उसमें ये ख़त्म हो गया, आप देख सकते हो बहुत छोटा सा पैक है, और ये काफ़ी अच्छा लगा, ये थोड़ी सी कूलिंग सेंसेशन दे देता है तो काफ़ी अच्छा लगा, बट मैं इसको दोबारा से नहीं खरीदूंगी क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे फेस मास्क हैं। नेक्स्ट है ये पॉन्ड्स की वाइट ब्यूटी बेबी क्रीम, इसको मैंने फिनिश कर दिया है, वैसे तो ये अच्छी है क्रीम
बट ये मुझको सूट नहीं करती, पता नहीं क्यों मेरे फेस पे मुझको ये ब्रेकआउट्स दे देती है, पिंपल्स आ जाते हैं मेरे फेस पे इसको लगाने के बाद, तो मैं इसको यूज नहीं करूंगी। ये अच्छी क्रीम कवरेज भी अच्छा देती है, डेली बेसिस के हिसाब से काफी अच्छी बीबी क्रीम है, सबको ज्यादा ही पसंद, सबको सूट करती है, पता नहीं मुझे क्यों नहीं सूट करती, तो मैं इसको नहीं खरीदूंगी। नेक्स्ट है ये गार्नियर की बेबी क्रीम, तो इसको भी मैंने फिनिश कर दिया है, बट इसकी ये बात है कि ये ड्राई स्किन वालों को ज्यादा सूट करती है, क्योंकि ये थोड़ा सा मेरे फेस को और थोड़ा ऑयली ऑयली बना देती है, तो मेरे हिसाब से ड्राई स्किन वालों के लिए तो काफी अच्छी रहने वाली है, तो इसके लिए मैं इसको खरीदूंगी नहीं। नेक्स्ट है ये हिमालय का एंटी हेयर फॉल शैम्पू, ये भी पूरा फिनिश हो चुका है और इसको मैंने खरीदा था ये बायोटिक के शैम्पू के बाद जो मैंने अभी आपको दिखाया, बेबी हेयर फॉल के लिए है, तो उससे अच्छा ये काम कर रहा है हमारे हेयर पे, मम्मी के भी और मेरे पे भी, और इससे इतना हेयर फॉल नहीं हुआ है अब तक तो, थैंक गॉड। और इसकी हमने बड़ी बॉटल भी मंगा ली है, वो भी अगर अच्छा काम किया तो हम उसे रेगुलरली यूज करते रहेंगे, बट फिलहाल तो ये खत्म हो चुका है, बड़ी बॉटल भी अभी हम मंगा चुके हैं। नेक्स्ट है ये एंगेज परफ्यूम बॉडी स्प्रे, और ये है टीज वेरिएंट में, और इसकी स्मेल काफी अच्छी है, काफी थोड़ी सी स्ट्रांग लगेगी आपको, बट ऐसी स्मेल मुझे काफी अच्छी लगी और मैं इसको भी फिनिश कर चुकी हूँ। मेरे प्रोडक्ट एम्प्टीज में आपने देखा होगा ज्यादातर मेरे बॉडी डिओड्रेंट यही खत्म हुए हैं फिनिश, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है इनको यूज करना। ये भी काफी अच्छा है बट मैं इसको दोबारा से नहीं खरीदूंगी, क्योंकि मैं और भी ट्राई करना चाहती हूँ। नेक्स्ट है ये हिमालय एंटी हेयर फॉल क्रीम, मैंने इसको सच में इतना इतना यूज किया है, बहुत ज्यादा यूज किया है, मैंने सच में इसको बहुत ज्यादा यूज किया है, बट फिर भी इस पे थोड़ा सा रह गया है, क्योंकि गाइस इसने कुछ काम ही नहीं किया मेरे बालों पे, मतलब एंटी हेयर फॉल क्रीम है, मैंने हेयर फॉल की वजह से लिया था, बट कुछ भी मुझे डिफरेंस नहीं दिखा। इसे कैसे भी अप्लाई करके देखा मैंने, शावर से पहले, शावर के बाद, रोज रात में थोड़ा सा मसाज करके, जिस तरीके से भी लगाना वैसे लगाया, बट इसने कुछ काम नहीं किया, तो मैं इसको डेफिनेटली नहीं खरीदने वाली हूँ दोबारा से। नेक्स्ट है ये ब्लू हेवन की बबल गम लिप बाम, और ये काफी अच्छी थी, काफी अफोर्डेबल थी, और इसकी जो फ्रेग्रेंस थी वो भी काफी अच्छी थी, तो इसे भी मैंने फिनिश कर दिया है। बट जितना मुझे मॉइस्चराइजेशन चाहिए अपने लिप्स को के लिए, तो उतना मुझे नहीं मिला इससे। तो आपके भयंकर वाले ड्राई लिप्स हैं मेरी तरह, मतलब मैं लिप बाम के बिना रह नहीं सकती, तो मुझे बहुत ज्यादा थिक लिप बाम लगाने की आदत है, तो अगर ऐसी लिप बाम अगर चाह रहे हो आप, तो इतना मॉइस्चराइजेशन नहीं देगी ये लिप बाम, इसीलिए मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, बट अगर आपके थोड़े बहुत ड्राई हो जाते हैं उसके लिए बहुत ही अच्छी है। नेक्स्ट है ये द नेचर्स को की सैफ्रॉन रेडियंस क्रीम, और ये मुझे मिली थी ग्लैमिगो बॉक्स में, और आप देख सकते हैं बिल्कुल खाली है, बट मैंने इसको अपने फेस पे यूज नहीं किया, और मैं बताती हूँ कि क्यों नहीं किया, क्योंकि ये मुझे सूट नहीं की क्रीम, इसलिए मैंने इसको अपने हाथों पे लगा लगा के खत्म किया है। पहले तो मैंने काफी इसको यूज करके देखा, ट्राई किया, बट नहीं ये मुझे नहीं सूट करेगी, तो इसीलिए, और मैं इसको दोबारा भी नहीं खरीदूंगी, और ये थोड़ी सी लिटिल एक्सपेंसिव है, मुझे सूट भी नहीं कर रही है, तो मैं क्यों खरीदूं इसे। नेक्स्ट है ये ब्लू हेवन की स्ट्रॉबेरी लिप बाम, और आप देख सकते हैं बिल्कुल खत्म है ये, और ऐसी मैं हजारों हजारों तो ज्यादा हो जाएगा 500 ऐसी टब कंटेनर खत्म कर चुकी हूँ, क्योंकि ये मेरी ऑल टाइम फेवरेट है लिप बाम। मुझे जब बीच में एक लिप बाम लगा के, अच्छी लिप बाम थी ब्रांड की, वो लगा के लिप एलर्जी हो गई थी, बहुत इस तरीके से बुरी तरीके से यहाँ तक आ गई थी वो एलर्जी, इतनी बुरी तरीके से स्वेल हो गए थे, और मैंने सब कुछ ट्राई करके देख लिया, मैंने उस पर हनी लगा लिया, मैंने उस पर एलोवेरा जेल लगा लिया अपने लिप्स पे, फिर भी कुछ नहीं हुआ, और फिर उसके बाद मैंने ये लिप बाम लास्ट में लगा के देखी, मैं चलो ये लगा लेते हैं, फिर ये लगा के देखी, और मेरे जो लिप्स थे वो एक तो दिन में ठीक हो गए, तो इसीलिए मुझे ये लिप बाम बहुत पसंद है, और ये सिर्फ 10 रुपए की लिप बाम आती है, और इसका तो बैकअप रहता है हमेशा मेरे पास, तो इसको तो मैं जिंदगी भर खरीदती रहूंगी। नेक्स्ट है ये वादी हर्बल्स का क्लींजिंग मिल्क, और क्लींजिंग मिल्क मैंने यही लास्ट
खरीदा था। ये मुझे सूट नहीं किया था, मैंने बड़ी मुश्किल से इसको ख़त्म किया है। उसके बाद से मैंने क्लींसिंग मिल्क लेना बंद ही कर दिए, क्योंकि मुझे लगता मेरी स्किन पे नहीं काम करेंगे, क्योंकि मेरी स्किन ऑयली कॉम्बिनेशन पता नहीं कैसी कैसी स्किन है। बट ये काफ़ी अफोर्डेबल क्लींसिंग मिल्क है, अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप पक्का यूज़ कर सकते हैं, प्लस इसमें एलोवेरा भी है। नेक्स्ट मैं आपको दिखा रही हूँ, ये आयुर हर्बल्स का स्किन टोनर है। आप देख सकते हैं इसमें थोड़ा सा रह गया है, बट मैं आपको बताऊं कि मैंने क्यों यूज नहीं किया ये, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट एवर टोनर है। इसके बाद मैंने खरीदा बायोटिक का बायो क्यूकम्बर टोनर, वो मुझे इतना पसंद आया और इतना सूट किया, क्योंकि ये मुझे सूट नहीं करता था फिर भी मैं जबरदस्ती इसको यूज करती थी, क्योंकि इसमें अल्कोहल है, तो वो मुझे जब से सूट करने लगा तो मैंने इसको छोड़ ही दिया। और फिर मैं क्यों करूँगी इसको ट्राई, तो इसलिए ये इतना रह गया है और मैं इसको नहीं खरीदने वाली दोबारा से। सो गाइस, ये थे मेरे सारे प्रोडक्ट एम्प्टीज जो मैंने आपको दिखाए, जो मैंने सारे फिनिश किए, और कौन से मुझे सूट किए, कौन से नहीं किए, कौन से मैं खरीदूंगी दोबारा से, कौन से नहीं खरीदूंगी, वो भी मैंने आपको बता दिए। सो गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपने खूब इंजॉय भी किया होगा इस वीडियो को, थोड़ी सी नई थी आपके लिए, थोड़ी सी हेल्पफुल भी रही होगी, आपको पता चल गया होगा कि कौन से किस स्किन के लिए अच्छे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना इस वीडियो को, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं आप, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जरूर ऐसी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलूंगी, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू।